हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय रिची रिच किचन एंड लाइफस्टाइल। हमेशा की तरह आज एक और अमेजिंग सी डिश आपके सामने लेके आई हूँ। सूखे करेले की बहुत ही अमेजिंग सी और थोड़ी डिफरेंट सी सब्ज़ी है ये। मैंने बिना इसको ऊपर से पील किए इसको मैंने कट कर दिया है। जो बीज मुझे रेड रेड लग रहे थे पके हुए, उन्हें मैंने हटा दिया है। यहाँ मैंने सौंफ, जीरा, राई, मेथी दाना और कलौंजी ली है। इसे कहते हैं पचफोरन मसाला। पचफोरन का मसाला कई जगह यूज़ होता है और इससे बहुत अमेजिंग फ्लेवर आएगा करेले में। आप इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बना के देखें। एक और डिफरेंट सब्ज़ी आपके संग शेयर कर चुके हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। हमेशा करेले की सब्ज़ी को आप सरसों के तेल में बनाएं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ये चम्मच ले लिए हैं मस्टर्ड ऑयल के, सरसों के तेल के। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हेल्थ पर्पज़ से डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। और अगर आप लोगों को करेले के कड़वेपन से ज़्यादा देख के सबको प्रॉब्लम होती ही है, तो आप एक काम कीजिए, इसको या तो पील करके कट कीजिए गोल गोल, नहीं तो विदाउट पील करके भी अगर आप कट कर रहे हैं तो हाफ़ एन आवर के लिए इसमें नमक मिला के किसी भारी बर्तन से प्लेट के ऊपर करके दबा के रख दीजिए। इसमें से जो पानी निकलेगा उसको निचोड़ के फिर इसको बनाइए। मुझे इसके कड़वेपन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे करेला कड़वा ही बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने यहाँ पर फ्राई कर दिया है। जब ये गोल्डन कलर में आ जाएगा तो अपने आप ही ये फ्राई होते होते ये गल जाता है। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े प्याज लिए थे, उसको मैंने लंबा पतला कट कर दिया था। अब उसको भी मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने इसमें भी और ऐड नहीं किया है, कॉज कोई नीड नहीं है ज़्यादा ऑयल की। अब यहाँ पर प्याज भी बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको भी मैं अलग निकाल दूँगी। और अब हम यहाँ पर करेले का मसाला रेडी करेंगे। करेला जो है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी है। करेला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है और ये ऐड करी हूँ पचफोरन का मसाला। इसको हम अच्छे से स्प्लेटर होने देंगे। इसमें जो मेथी दाना है ये सबसे कम होगा। सब चीज़ों की क्वान्टिटी मैं मैंशन कर दूँगी आपके साथ। बहुत ही अमेजिंग इसका अरोमा होता है, बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है, बहुत ही अमेजिंग ये सब्ज़ी भी लगती है। आप इसे खा के ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैं महीन महीन कट करके इसमें डाल दे रही हूँ। सॉल्ट और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ही ऐड करें। 1 हरी मिर्च यहाँ मैं और ले रही हूँ। टोटल 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ली है। इस तरह से सिज़र से काटने से हमारे हाथ में भी मिर्चें नहीं लगती हैं, जो आँख में जब हम हाथ वगैरह लग जाता है गलती से तो बहुत तेज़ मिर्चें लगती हैं, इससे ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। मैं यहाँ कर रही हूँ प्याज को ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ। अब इसी में मैं प्याज को भी पहले मिक्स कर दूँगी, फिर मैं इसी में ड्राई मसाले भी यहाँ डाल दूँगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ पिसा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, ढेर सारा अमचूर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। करेले में अमचूर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, बहुत अमेजिंग फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ पर अब हम प्याज के साथ साथ इन मसालों को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। जब भी आप मसाले किसी भी सब्ज़ी में ऐड करें हमेशा आप फ्लेम को लो कर दें। अब यहाँ पर अच्छे से मसाले भुन गए हैं, मैं यहाँ पर करेले को ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फिंगर चिप्स की तरह से काट के आलू भी डाल सकते हैं, उसको भी फ्राई करके डालिएगा। मैं आलू ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ अपनी डाइट में, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी है ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप इसे दाल, अरहर की दाल के साथ ये बहुत अमेजिंग लगती है, रोटी राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी एक क्रंची सी करेले की सब्ज़ी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आप ट्राई करते हैं तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।